हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फॉक्स एंड्रॉइड। तो आज हम देखने वाले हैं कि जब आप अपनी ऐप डेवलप कर लेते हो या आप डेवलपिंग फेज में होते हैं, तो आपको अपनी ऐप टेस्ट करने के लिए डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो से अपने मोबाइल पे आपको कैसे इंस्टॉल करना है, राइट। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे करना है, मोबाइल एंड पे क्या सेटिंग्स रहती हैं और एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या सेटिंग्स रहती हैं और उसके ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यार वही मेरी फॉर्मेलिटी, मेरा हक कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करो ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल में एक सेटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसे कि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी इनेबल करा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो ये वाली स्टेप को, और अगर नहीं करा है तो आप मेरे को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स में जाना होगा। जैसे कि मेरे पास Xiaomi का फ़ोन है तो यहाँ पे मैं अबाउट फ़ोन में जाऊँगा, और अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो उसमें भी ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम रहता है, तो उसमें अबाउट फ़ोन या अबाउट के ऑप्शन होंगे, आपको उसमें जाना है। तो मैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाऊँगा। तो MI में जैसे MI UI वर्जन लिखा है, इसमें मैं टैप करूँगा रेगुलरली, 7 बार टैप करना होगा आपको। जैसे कि मैं टैप करता हूँ, तो 4 टैप करने के बाद आपको नीचे कुछ ऐसे पॉपअप्स दिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे फाइनली लिखा जाएगा यू आर नाउ अ डेवलपर, राइट। दैट मींस कि डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो गई हैं। इसके बाद मैं अपनी सर्च सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं डेवलपर ऑप्शंस लिखूँगा। इफ आई सिंपली टाइप डेवलपर ऑप्शंस, तो आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारी सेटिंग्स आएंगी। तो यहाँ पे जाके जो हमारी USB आपको डिबगिंग टैब में दिखेगा, USB डिबगिंग, इसका मतलब होता है कि आप USB के थ्रू आप कोई ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो लाइक डिबगिंग मोड में, तो इसको मैं इनेबल कर दूंगा। ओके, प्रेस कर देंगे। तो दिस इज द सेटिंग इन मोबाइल एंड, आपको मोबाइल साइड पे यही सेटिंग करनी है। डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है, देन USB डिबगिंग को ऑन कर देना है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ये ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक USB केबल लेनी है। अगर आपके मोबाइल में टाइप सी लगती है तो आपको टाइप सी USB केबल लेनी है, अदरवाइज अगर आपकी टाइप बी है तो टाइप बी USB केबल लेनी है। उसको आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करना है और उस साइड मोबाइल पे कनेक्ट कर देना है, राइट। और मोबाइल पे कनेक्ट करने के बाद आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपका मोबाइल दिखेगा। जैसे कि मेरा Xiaomi Redmi Note 5 Pro है तो आपको यहाँ पे मेरा मोबाइल दिख रहा है। यहाँ पे आपको नीचे एमुलेटर्स दिखेंगे, अगर आपने कोई एमुलेटर यहाँ पे डिवाइस बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को Xiaomi Redmi Note 5 Pro दिख रहा है। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो अपने आप सिलेक्ट हो गया। अगर आपका अपने आप नहीं होता तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपनी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ये रन बटन है, इसको प्रेस कर देना है, राइट। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे बॉटम में देखोगे ग्रेडल बिल्ट रनिंग आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे अगर बिल्ट टैब में जाओगे तो आप देखोगे पहले इसको बिल्ड करेगा, बिल्ड जैसे ही कंप्लीट होगा ये आपके मोबाइल में आपके ऐप को इंस्टॉल कर देगा, राइट। तो वेट करते हैं, मैं इसको स्किप करूंगा जब तक ये बिल्ड कम्प्लीट होता है, राइट। तो यहाँ पे बिल्ड कम्प्लीट हो चुका है, नीचे आप देखोगे इंस्टॉल, और मोबाइल स्क्रीन में अपने आप आपके ऐप जो है वो इंस्टॉल होके ओपन हो जाएगी, राइट। So, these are all the steps. तो मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन में जाके USB डिबगिंग को ऑन करना है। USB डिबगिंग ऑन करने के बाद आपको अपने मोबाइल को USB केबल से कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करना है, राइट, अटैच कर देनी है केबल। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिवाइस दिखेगा, डिवाइस दिखने के बाद आपने यहाँ पे एक रन बटन होता है उसको प्रेस कर देना है, ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और अपने आप लॉन्च भी हो जाएगी। So that is it for today's video guys. अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।